हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ प्लस टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। ओके, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, क्रश, एक्स, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनकी क्या रोमांटिक थॉट्स हैं आपके लिए, क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं और क्या डिजायर करते हैं वो आपको, उनके डिजायर्स और रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, देर रात उनकी रोमांटिक थॉट्स देखने वाले हैं। तो गाइस, पहली बार आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं ट्राई करने वाली हूँ संडे को आप लोगों के लिए लाइव आने की। ओके, तो ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं पर्सनल रीडिंग दे सकूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या उनकी रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए। तो एक लाइक कर दो, क्योंकि एक लाइक से आपका मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो एक लाइक कर दो। ओके, और शेयर कर देना इस रीडिंग को जिनको इस रीडिंग की नीड है। तो पहले टैरोट कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या उनकी रोमांटिक फीलिंग्स हैं। तो गाइस, आपको जब तक मैं सफल कर रही हूं उनका फेस विजुलाइज करना है। ओके, फेस विजुलाइज कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए तीन बार। तो रोमांटिक फीलिंग्स देखते हैं उनकी क्या है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ओ माय गॉड। ओके, तो यूनिवर्स बताइए क्या रोमांटिक फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के, पर्सन, पार्टनर, क्रश, एक्स, जिनके लिए भी ये रीडिंग देखने आए हैं, जिनका भी इन्होंने तीन बार नाम लिया है। ओ माय गॉड। ओके, यहां पर है द हर्मिट का कार्ड। ओके, यहां पर है किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहां पर तो आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हो गए हो, एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों। यहां पर प्रूफ हो गया किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स से। वाओ, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। तो चलिए बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्स, सेवन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, देखो यहां पर मुझे सारे ज्योतिष साइन दिख रहे हैं। ओके, तो ज्योतिष साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल ज्योतिष साइन ये रीडिंग होने वाली है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर पर्सन ना, आप दोनों तो पहले ही मैंने जैसे आप लोग को बताया, आप दोनों मुझे यहां पर ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों। बहुत ज्यादा फीलिंग्स आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए हैं। आप भी ना उनको अपना दिल देना चाहते हो और वो भी आपको दिल देना चाहते हैं। दोनों ने अपना दिल निकाल के रख दिया एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ देख रही हूं। और दोनों के अंदर देखो रोमांटिक फीलिंग्स तो ठीक है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअल भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। दोनों ना एक दूसरे के साथ पूरे होते हो, बहुत ज्यादा फील करते हो आप दोनों एक दूसरे के तरफ, एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन, एक पैशन, एक स्पार्क बहुत ज्यादा फील करते हो। बेसिकली मुझे दिखता है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। देखो अगर सिचुएशनशिप में हो आप लोग, यानी कि अगर आपके क्रश हैं या फ्रेंड हैं, तो मुझे दिखता है कि आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, इसको कनेक्शन को रिश्ते में बदलना चाहते हैं। और ऑलरेडी अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ही फील करते हैं, एक पैशन ये फील करते हैं, आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो मुझे दिखता है कि यस, आपके साथ लॉन्ग टर्म ये रहना चाहते हैं। ओके, बहुत प्यार मुझे दिख रहा है एक दूसरे के लिए आप दोनों के अंदर। आप बेसिकली ना, आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आप कितने खूबसूरत हो, आपके ऊपर लॉन्ग ड्रेसेस इनको अच्छी लगती है,
जो भी आप लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और स्लीवलेस अच्छा लगता है इनको आपके ऊपर। और आपके पार्टनर को हो सकता है, कुछ लोगों के पार्टनर को उनके खुले बाल अच्छे लगते हो, आपको बोला भी हो, और कुछ लोगों के साथ मुझे दिखता है कि बधे हुए बाल इनको आपके अच्छे लगते हैं, अगर आप फीमेल हो। ओके, और अगर आप मेल हो तो आपकी जो पर्सन है, पार्टनर है, उन्हें आपकी बियर्ड यानी कि दाढ़ी या कुछ ऐसी पसंद है, ब्लैक कलर में देखना उन्हें आपको पसंद है, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। ओके, और मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हो आप, इनकी नजरों में आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, बहुत ज्यादा फील करते हैं ये आपको, फील करना चाहते हैं, एक स्पार्क फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। ओके, हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आया हो, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज आए हो, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो ना कहीं ये आपके बिना नहीं रह पाते हैं, आपको ही याद करते हैं, आपके बिना एक एक दिन काटना इनको मुश्किल लगता है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो इनके साथ, ऐसी भी एनर्जीज है, तो आपके पास आना चाहते हैं। फिलहाल ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने में ध्यान दे रहे हैं, आपके काबिल अपने को बनाना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि ये आपके काबिल नहीं है, आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत अच्छे हो, मैं डिजर्व नहीं करता हूं या करती हूं तो मैं, कुछ ऐसा ये फील करते हैं, क्योंकि आपका नेचर, आपकी ब्यूटी इनको, या आपके लुक्स, या आप हैंडसम हो, जैसे भी हो, इनको ऐसा लगता है कि ये डिजर्व नहीं करते हैं, ये इनमें कमी है, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। हो सकता है नहीं भी हो कमी, बट स्टिल ऐसा ये फील करते हैं। तो ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने में प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, द हर्मिट के कार्ड से मुझे दिख रहा है, और अपने को ग्रूम करने में लगे पड़े हैं कि मैं कैसे अच्छा दिखूंगा, मैं कैसे हैंडसम दिखूंगा, या आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपका अटेंशन गेन करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। इसलिए अपने पर काम कर रहे हैं, अपने नेचर को भी सुधार रहे हैं, जो भी इनका नेचर हो सकता है अग्रेसिव है या इगोस्टिक है या स्टबर्न है, कुछ भी है, उसको सुधार रहे हैं आपके लिए, और अपने को ग्रूम भी कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं प्रॉपर। ओके, ताकि आप को भी ये हैंडसम लगे या ब्यूटीफुल लगे, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं बहुत ज्यादा, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, अपने दिल की बात करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने ना अपने दिल की बात ना कही हो आपसे, उस लेवल पे नहीं कही हो, मुझे कुछ ऐसा भी दिखता है। आपके साथ ना एक मी टाइम चाहते हैं, एक अकेले में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जहां पर बस आप दोनों हो और बहुत सारा प्यार हो, कहीं आपको बाहर ले जाना चाहते हैं, कुछ इंटिमेसी भी मैं देख रही हूं यहां पर, बेसिकली चाहते हैं, इवन ये चाहते हैं कि आप दोनों के किड्स हो, बच्चे हो, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। आपको कुछ प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा भी मैं एनर्जीज देख रही हूं। ओके, ऐसा कुछ मुझे दिखता है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे बहुत जल्दी, कुछ ऐसी इंटिमेसी आप दोनों के बीच में हो सकती है जहां पर आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो थोड़ा बच के, अगर आप नहीं चाहते हो प्रेगनेंसी, तो ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। आपको ना पूरा अपना दिल खोल कर देना चाहते हैं, आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूं या मैं इससे प्यार करती हूं, कुछ ऐसा मैं देख रही हूं। आपको मनाना चाहते हैं, आपकी तरफ पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट अगर आप इन्हें पसंद करते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्सपोज करने से, इनको भी कि हाँ, जैसे ना बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ईवल आई भी मुझे यहां पर दिखती है। ओके, तो वो बचना चाहिए आप दोनों को, ऐसा कुछ मैं देख रही हूं। तो चलिए कैंडल वैक्स से भी देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती है। ओके, तो मैंने यहां पर कैंडल जला लिया, आपको अपना मन शांत करना है और पॉजिटिव होकर ये रीडिंग देखनी है। ओके गाइस, आई होप आपने इनका नाम ले लिया है, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के, पर्सन की, क्या रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्या डिजायर्स हैं, देर रात वो क्या सोचते हैं इनको लेकर बताइए। देखो, देर रात तो ये आपको बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, यहां पर मुझे दिख रहा है बहुत डिजायर्स हैं इनके अंदर आपके लिए, बहुत ज्यादा
फैंटेसाइज करते हैं, आपको अपने करीब लाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपके साथ एक इंटिमेसी, जैसे मैंने बोला, वो चाह रहे हैं आपके साथ ही कंप्लीट होता है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में एक इंटिमेसी हो तो ये कनेक्शन बहुत ज्यादा आगे ग्रो करेगा, मतलब एक प्यार डीप लेवल का हो सकता है, कुछ ऐसा इनके थॉट्स मुझे दिख रहे हैं। और मुझे दिखता है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ इंटिमेसी भी रही हो, उस इंटिमेसी को ये एंजॉय इन्होंने किया है और उसको ही सोच सोच के ये इस समय भी वो ये उसको सोच रहे हैं, बेसिकली मुझे ये दिख रहा है। दोबारा से आपके साथ चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। हो सकता है काफी टाइम हो गया आप दोनों को एक दूसरे से दूर, या सेपरेशन में हो सकता है, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बेसिकली मुझे यहां पर दिख रहा है, मुझे ना यहां पर लिप्स बनते हुए दिख रहे हैं, एक ब्रॉड लिप्स, एक बड़े लिप्स, ऐसा कुछ दिख रहा है, लिप्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि इनको आपके लिप्स बहुत ज्यादा पसंद है, हो सकता है आपके लिप्स बहुत खूबसूरत हैं। बेसिकली मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये आपको किस करना चाहते हैं, यस, आपको किस करना चाहते हैं, और या फिर ये हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में किसिंग रहा हो तो उस चीज को ये मिस कर रहा है, दोबारा से आपको किस करना चाहते हैं, एक लॉन्ग किस मैं देख रही हूं, बहुत ज्यादा फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, वो ही जो आपने टाइम जिया है ना, वो टाइम को दोबारा जीना चाहते हैं। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आज तक इंटीमेट नहीं हुए अपने पार्टनर पर्सन के साथ, ऐसा भी मुझे दिखता है, बहुत से लोग ऐसे भी दिख रहे हैं। तो गाइज जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको रखिए, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि बट ये होना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप ना इनको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि आपके बराबर खूबसूरत कोई नहीं है। करंटली तो ये यही सोच रहे हैं, आपकी फोटो देख रहे हैं, बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी वॉइस को भी मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। डिजायर, बहुत सारी डिजायर्स हैं इनकी, आपको किस करना, आपके साथ रोमांटिक होना, कुछ ऐसा ऐसा मैं देख रही हूं, बहुत ज्यादा ये चाहते हैं कि आप दोनों बेड में हो तो आप इन्हें डोमिनेंट करो, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूं, बेसिकली आपकी डिजायर्स ये पूरी करें, ऐसा कुछ ये चाहते हैं, आपकी तरह तरीके से हर चीज करें, कुछ ऐसा मुझे दिखता है। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये आपसे, एक दिल में ना इनके बहुत ज्यादा प्यार मैं देख रही हूं, ठीक है, फिजिकल इंटिमेसी एक अलग चीज है, बट मुझे यहां पर प्यार भी दिख रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं ये आपके लिए, आपको लेकर, अपने पास रखकर आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, आपके लिए ना लॉयल होना चाहते हैं, लॉयल होकर आपके पास आना चाहते हैं, ऐसा भी मैं कुछ देख रही हूं। जब ये आपसे दूर होते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि बस लाइफ एंड हो गई है, खत्म हो गई है, मतलब ऐसी कुछ फीलिंग्स मैं देख रही हूं। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, जैसे मैंने बोला, आपको ना शॉर्ट ड्रेसेस में भी देखना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जहां पर आप दोनों का प्राइवेट टाइम हो, प्राइवेट मोमेंट हो, वहां पर बेसिकली कोई आपको ये ना दुनिया के सामने ऐसा चाहते हैं कि आप स्लीवलेस में ना रहो, या फिर आप इतना शो ना हो आपके कपड़े, थोड़ा ढगे ढगे कुछ फुल ड्रेसेस में रहो, कुछ ऐसा ये फील करते हैं, बट क्योंकि इनको ऐसा लगता है कोई आपको ना देखे, ये बस मेरी है, या मैं ही देखूं, या मेरा है, या मैं ही देखूं, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूं। इनको आपकी बॉडी बहुत पसंद है, अगर आप मेल हो तो आपके बाइसेप्स, आपके बाइसेप्स नहीं भी है तो भी इनको आपकी बॉडी बहुत पसंद है, अच्छे से लगते हो आप इनको, क्योंकि आपका एक नेचर ऐसा है मुझे दिख रहा है, बहुत केयरिंग, इनके लिए बहुत केयरिंग, जिस वजह से आप इनको इतने अच्छे लगते हो। और अगर आप फीमेल हो तो यस, आपकी बॉडी पसंद है इनको, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। आपका चलना, आपका बोलना, मतलब ये ना खो जाते हैं आप में, या आप जब मेकअप कर रहे हो तो ऐसा इनको लगता है ये बिल्कुल खो गए, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूं, ओके। और मुझे यहां पर दिखता है
या तो आप डांस करते हो या ये डांस करते हैं, बेसिकली किस दोनों में से एक डांस या सिंगिंग कुछ ना कुछ करता है जो इनको, या तो आपको इनका डांस पसंद है या इनको आपका डांस पसंद है, या कोई सिंगिंग करते हो आप लोग ऐसा भी दिखता है, गाना पसंद है, या कोई पोइट्री करते हो, या कुछ मतलब वो होता है ना शायरी, शेरो शायरी कुछ ऐसा बोलते हो, या हंसी मजाक में बोलते हो, या फन करते हो, बेसिकली अच्छा लगता है इनको। और इस कनेक्शन में मुझे दिखता है, चाहे आपकी क्रश हो, चाहे आपकी कोई भी हो, आप डोमिनेंट भी रहे हो बेसिकली ये चाहते हैं, और नहीं रहे हो तो बेसिकली मुझे दिखता है ये चाहते हैं आप इन्हें डोमिनेंट करो, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। बहुत डिजायर्स हैं इनके मन में आपके लिए, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स मैं देख रही हूँ। ऐसा इनको ऐसा लगता है ना कि हग करके सो जाओ। अब अगर आप नहीं हो इनके आसपास तो भी मुझे दिख रहा है कि या तो पिलो को पकड़ के सो जाते हैं, आपको फील करते हैं, या फिर टैडी वगैरह को पकड़ के आपने कुछ गिफ्ट किया है ऐसा भी कुछ दिखता है, उसको पकड़ के सो जाते हैं आपकी यादों में, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस की भी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है, या फिर मेंटल डिस्टेंस है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। ओके, कप ऑफ लव देना चाहते हैं, पूरी लाइफ आपके साथ ये बिताना चाहते हैं, कुछ ऐसी मैं एनर्जीज देख रही हूं, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। प्यार मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है यहां पर आप दोनों के बीच में, बहुत ज्यादा प्यार, आप भी वैसा ही इनके लिए फील करते हो जैसा ये आपके लिए फील करते हैं, ऐसा भी मुझे दिखता है। आपको भी कोई अच्छा नहीं लगता इनके सिवा, और इनको भी आपके सिवा कोई अच्छा नहीं लगता है। बहुत प्यार, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है आपके मन में भी मुझे दिख रही है, आप भी बहुत नॉटी हो, आपके मन में भी बहुत रोमांटिक फीलिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप भी चाहते हो बेसिकली इनके साथ एक होना, इनके साथ रीयूनियन, इनके साथ फिजिकल, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ। तो यस गाइज, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आज की रीडिंग बस इतनी ही। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर करके एनर्जीज को बैलेंस कर दीजिएगा। ओके, और क्लेम कीजिएगा, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है, इनको क्लेम जरूर कीजिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।